अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मटन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है भिंडी गोश्त। ये बहुत ही मज़े का भिंडी गोश्त होता है। कुछ लोगों को भिंडी गोश्त के साथ ही शिकायत होती है कि उसमें एक चिपचिपाहट पैदा हो जाती है, एक सरे सा पैदा हो जाता है। मैं इसमें कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि भिंडी गोश्त का जो शोरबा है बहुत ही परफेक्ट बनेगा, उसमें कोई चिपचिपाहट नहीं होगी और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो मैं यहाँ 1 किलो गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैं यहाँ मटन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं। तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। तो प्रेशर कुकर में यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी सरसों का तेल 150 ml, जिसे मैंने अच्छी तरह से गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लिया है। और इसमें मैंने 1/2 kg भिंडी ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और 2 इंच के करीब पीसेस में मैंने इन्हें कट कर लिया है। आप जिस साइज़ की भिंडी रखना चाहते हैं उस साइज़ का इसे कट कर लें। और इन भिंडियों को हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। और इसे फ्राई करते में हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इनको चलाना नहीं है और 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें तेज़ आँच पर हम फ्राई करेंगे। ऐसा करने से भिंडियों में चिपचिपाहट पैदा नहीं होगी। बस इतना ही इन्हें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सभी भिंडियों को हम तेल से अलग कर लेंगे। अब इसी तेल में हम प्याज फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज को कट कर लिया है। इनको बहुत ही मोटा मोटा मैंने चॉप करा है, बहुत फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और इन्हें हल्का सा हम फ्राई करेंगे। यहाँ प्याज को गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज को भी हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त डाल दिया है, इसको मैंने धोकर रख लिया था। गोश्त डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पर हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे और 1 मिनट के बाद हम इसे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भूनेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट लिया है। तो इस तरह से 3 चम्मच हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे हाई फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम पाउडर्ड मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट लिया है टेस्ट के हिसाब से और 1 टेबल स्पून ली है लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च हम आगे इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड करेंगे और हरी मिर्च भी ऐड करेंगे, तो इस टाइम ज़्यादा मिर्च नहीं डालेंगे। तो ये पाउडर्ड मसाले डालने के बाद इन्हें एक मिक्स दे देते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर टमाटर काट के डाले हैं। मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने रफली काट लिया है। भिंडी गोश्त में दही का इस्तेमाल नहीं होता, इसे टमाटर के साथ ही भुना जाता है। कोशिश करें कि देसी टमाटर का इस्तेमाल करें। टमाटर डाल के हल्का सा मिक्स करेंगे। अभी हमें बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम गोश्त को टेंडर करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पानी डाल दिया है 100 ml के करीब। और एक मिक्स देकर हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें हम 7 प्रेशर लेते हैं। आप अपने कुकर का हिसाब देख लें। हमें यहाँ पर जो गोश्त है उसको बिल्कुल टेंडर करना है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। आपके कुकर में जितनी विसिल में गोश्त सॉफ्ट होता है उतनी आप विसिल लगाएं। तो 7 सीटियाँ आ गई हैं। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और कुकर को ठंडा होने दिया है। अब इसका हम प्रेशर रिलीज़ करेंगे, उसके बाद हम लिड खोल कर देखते हैं। तो मैंने चलाकर देखा है तो गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हाई फ्लेम पर इसका जो ये पानी है इसको हमें ड्राई करना है। इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे जिससे कि ये पानी ड्राई हो जाए और जो वो तेल है अलग हो जाए। इसी टाइम मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाल दी है 1 टेबल स्पून। कश्मीरी मिर्च डालने से इसका जो टेस्ट है वो तो ज़्यादा उसमें मिर्चें नहीं होती, लेकिन कलर बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो लोग मिर्चें कम खाते हैं और कलर चाहते हैं अच्छा है, तो वो कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करा करें। तो इसको हम मिक्स करेंगे और तेल अलग हो गया है। तेल के अलग होने के बाद इसमें हमने 4 हरी मिर्च डाली हैं। हरी मिर्च डालकर हल्का सा मिक्स करेंगे और जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी वो यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से अगर आप भिंडी गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का ये बनकर
तैयार होता है और हल्के हाथ से इसको चला देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाला है, इससे इसका टेस्ट अच्छा होता है और साथ साथ इसमें जो चिपचिपाहट है वो नहीं पैदा होती। भिंडी के सालन में अगर हम नींबू डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो बस ये हल्का सा मिक्स कर देते हैं और जितना भी हमें इसमें शोरबा रखना है उतना इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने ये 2 कप बड़े वाले भरकर पानी डाला है। आपको जितना शोरबा रखना है उतना इसमें पानी डालें। ये मैं शोरबे वाला भिंडी गोश्त बना रही हूँ। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। तो मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इसे हम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा कुक करते हैं। अब इसमें लिड नहीं लगाएंगे, सिर्फ स्पीड प्रेशर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ इस पर लिड लगा देंगे। तो इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको रखा रहने देंगे। 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालकर इसको ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि हरे धनिया की जो खुशबू है वो अच्छी तरह से सालन में आ जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। तो मज़ेदार सा और बहुत ही बेहतरीन सा भिंडी गोश्त बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, रेसिपी को लाइक दीजिए। मैं इसका शोरबा भी दिखाती हूँ, इसमें कोई भी लेस नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली बना है। ना ही शोरबे में कोई लेस है ना ही भिंडियों में, और भिंडियों का शेप भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो ये है भिंडी गोश्त की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।